हेलो फ्रेंड्स, हाय। आज मैं अब्दुल कलाम रोड से जा रहा था तो मुझे लगा चलो क्यों ना अब्दुल कलाम म्यूजियम होता चलूं। टेंपल टू टेंपल तो मैं विजिट करता ही रहता हूं, सोचा आज क्यों ना एक अब्दुल कलाम म्यूजियम दिखाया जाए। तो चलते हैं, आज दिखाऊंगा मैं आपको अब्दुल कलाम म्यूजियम जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आइए मेरे साथ, लेट्स गो। स्वागत है आपका दिल्ली के श्री अब्दुल कलाम म्यूजियम में। मैं आज आपको अब्दुल कलाम म्यूजियम दिखाऊंगा। यू नो ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ आवर इंडिया, हु ऑल्सो नोन बाई मिसाइल मैन। तो यहाँ से अभी हम अंदर आ गए हैं और एंटर करते ही मुझे पता लगा कि यहाँ पे एक अच्छी खासी कपड़े की मार्केट भी है। सामने से ही मैंने यहाँ पे आपको एक टिकट लेना पड़ेगा 30 रुपीज़ का, तभी आप मार्केट में जा सकते हैं। वैसे म्यूजियम के लिए कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मैंने सोचा अब आए हैं तो चलो मार्केट के आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ। चलिए यहाँ से देख सकते हैं। तो ये था एक मार्केट का एक छोटा सा क्लिप जिसको मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। अगर आप यहाँ आते हैं तो ज़रूर विजिट कीजिएगा, बहुत अच्छी मार्केट है। और यहाँ से अब हम शुरू करेंगे अपना वीडियो। तो यहाँ से देख सकते हैं, सामने ही यहाँ से एंटर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को एक छोटी सी स्टोरी के साथ। सो APJ अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में 15 अक्टूबर 1935 को हुआ था। उनका बचपन संघर्षों से भरा रहा। कलाम साहब के हमेशा सीखने की कला को महत्व देते थे। वह बचपन में अखबार बेचते थे क्योंकि उनके परिवार के पास ज्यादा पैसा नहीं था, ना ही उनके पिता जैनुलाबुद्दीन ज्यादा पढ़े लिखे थे। और श्री अब्दुल कलाम जी 5 भाई बहन थे और APJ अब्दुल कलाम जी ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। स्नातक की पढ़ाई के बाद उन्होंने भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना का काम किया। इसके बाद वे 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में आए। इसरो में कलाम साहब ने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। इसरो में APJ अब्दुल कलाम जी ने परियोजना निदेशक को तौर पर भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस यान ने भारत ने रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। इस मिसाल को बनाने में उन्होंने कड़ी मेहनत की, जिसकी वजह से उन्हें मिसाइल मैन कहा गया। इसके बाद कलाम साहब ने देश को कई सारे मिसाइल दिए। APJ अब्दुल कलाम जुलाई 1992 में वह भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार बने। कलाम साहब ने नेतृत्व भारत में 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया और इसमें पूरी दुनिया को महाशक्ति बनने का एहसास दिलाया। इस मिशन में कलाम साहब ने अभूतपूर्व योगदान दिया। APJ अब्दुल कलाम 18 जुलाई 2002 को देश के 11वें राष्ट्रपति बनने के बाद भी कलाम साहब ने स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया और इसी के बदौलत उन्हें जनता के राष्ट्रपति की उपाधि मिली। कलाम साहब ने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे जनता के लिए खोल दिए। ऐसे कई किस्से हैं जब राष्ट्रपति भवन में उनके साथ कोई आम इंसान या किसान खाना खा रहे होते तो कभी पुलिस वाले से वह बात कर रहे होते। कलाम साहब 2007 तक राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति पद के
पद से मुक्त होने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के विभिन्न कॉलेज संस्थानों में काम किया। उन्होंने लोगों के बीच रहना पसंद किया। वह हमेशा देश के नागरिकों से मिलते थे। कलाम साहब कई पुस्तकें लिखी, उनकी पुस्तकें लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुई हैं। कलाम साहब का सपना 2020 तक भारत को शक्तिशाली और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना था, जो कि आज आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ से आप देख ही सकते हैं कलाम साहब के 79वें जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। साथ ही उन्हें भारत सहित दुनिया भर के देशों में कई पुरस्कार नवाजा। भारत सरकार ने उन्हें 1997 में भारत रत्न, 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण की सम्मानित किया। और यहाँ से आप देख ही सकते हैं। तो ये थी इनकी एक छोटी सी स्टोरी, जिसको मैंने कोशिश किया है पूरा कवर करने को। यहाँ से देख ही सकते हैं। यहाँ से अभी हम, ये मेरा छोटा सा एक लास्ट क्लिप है, यहाँ से अभी हम चलेंगे बाहर। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त लूँगा, मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, नई जर्नी के साथ। सो गाइस, तब तक के लिए गुड बाय।